सरकार जो है तमाम योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करती है और उनका 100% तो नहीं लेकिन 90% जरूर वादा रहता है कि हम विकास के पैमाने में अव्वल हैं। लेकिन जरमुंडी विधानसभा का एक गांव पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं ये विकास के पैमाने पर कहां कितने दूरी पर यह विकास कार्य पहुंचा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सड़क से कुछ दूरी पर है तो आपको तस्वीरें थोड़ा बहुत जो है सीधा साधारण दिखता होगा, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है सामने मिट्टी नुमा सड़क है और सड़क के ठीक बगल में खपड़ेल का घर है, मिट्टी का घर है और उसके ऊपर जो तस्वीरें दिख रही है वह देख सकते हैं कि पोल लगा हुआ है, लेकिन पोल में जो तार है वह जो है देख ही सकते हैं कि कितना विकास उस पर हो पाया है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विकास कार्य में कई तरह की योजनाएं जो है जनता के बीच नेताजी बांटे हैं और उस बांटने के बाद उसी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे और उनका साफ कहना रहेगा कि मुझे वोट दें और इससे भी ज्यादा जो है आपके क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। चाचा ये बताइए कि अभी काम कर रहे हैं लेकिन रोजाना आपको काम मिलता है? रोजाना तो काम नहीं मिलता है, अभी तो काम मिल रहा है। अभी मिल रहा है हाँ। अगर काम नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कहाँ बाहर जाइए? बाहर जाना पड़ेगा या मतलब कि जाना पड़ेगा दिल्ली या बॉम्बे, कहीं तो जाना होगा। सरकार की ओर से कोई योजना दिया है कुछ घर द्वार, राशन मिल रहा है आपको? राशन तो मिल रहा है लेकिन अभी तक मतलब कि 3-4 बार लेके गया है। ये जो पीएम जो आवास था ना पहले प्रधानमंत्री आवास, उसमें से मतलब कि हम लोग का सब कर लिया था, जो क्या बोलते हैं जियो टैग करके उसमें पैसा नहीं आया उसमें। नहीं बना कहाँ बना है। अच्छा कौन गांव से आप आते हैं? हरिनमारा से। तो यहाँ पे टंकी उनकी बना हुआ है कहाँ? हरिनमारा में टंकी बना है, उसमें पानी नहीं लेते हैं ना? मोटर उसका चोरी हो गया, एक बार एप्लीकेशन दे के दिए हैं तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा रोड उड़ है यहाँ पे? रोड तो नहीं है। कैसे जाते हैं बारिश के दिनों में? बारिश का दिन में ऐसे ही जाते हैं। हाँ ए भाई लोग, तुम लोग कहाँ से आए हैं बताओ, चुनाव आ रहा है वोट देगा कि नहीं? इधर आओ सामने आओ जी। हाँ वोट देगा कि नहीं? जी वोट देंगे, अपना मतदान खुद करेंगे। लेकिन नेताजी आए क्या कुछ देंगे कि नहीं तुम लोग को फायदा? फायदा नहीं देगा तो फिर कैसे होगा, विकास नहीं करेगा तो। हम लोग मतदान कर रहे हैं अपने, तो हम ये क्या बोल रहे, अपना मतदान कर रहे हैं तो कुछ हम लोग को भी विकास होना चाहिए ना। इसके लिए नेताजी को तो ये होना चाहिए, हम लोग को ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। ये हम लोग का जो ये गांव महारा हुआ, यहाँ जो पानी का टंकी है, पानी का मतलब व्यवस्था कुछ नहीं है। ये टंकी खराब हुआ कम से कम 1 साल हो गया, इसका बोर्ड एक क्या बोलते हैं उसका पदाधिकारी ले गया और दोबारा दिया नहीं। यहाँ तो पानी का तो कष्ट पूरा है, पानी का कष्ट पूरा कष्ट है। क्योंकि रोजगार भी नहीं है यहाँ पे, रोजगार तो कुछ है ही नहीं है। ऐसे हम लोग काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं हफ्ता में, उसके बाद बैठा रहते हैं। अच्छा भाई तुम बताओ कि यहाँ पे चलो पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, अगर बात कर लें अगर लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं? यही जरमुंडी जाते हैं। गांव में व्यवस्था नहीं है? गांव में व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, जरमुंडी जाते हैं। अगर ज्यादा बीमार पड़ गया लोग तो कहाँ जाए? ज्यादा बीमार पड़ गया तो वही मतलब प्राइवेट में जाना पड़ता, देवघर हॉस्पिटल प्राइवेट में, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर बात कर लें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तो प्राथमिक इलाज के बाद आपको या तो दुमका या तो देवघर रेफर कर दिया जाता है और वहाँ भी व्यवस्थाएं उस तरह के नहीं है तो अपने मन की संतुष्टि के लिए लोग प्राइवेट में पहुँचते हैं। अगर बात कर लें सड़कों की तो सड़क भी यहाँ पर नहीं है, हरिमारा का गाँव है और यहाँ पर सड़कें यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो जलमीनार जरूर बने हैं लेकिन जलमीनार जो है खराब है और खराब होने के बाद उसे दुरुस्त अब तक नहीं कर पाया है। यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वोट के बाद
लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए वह प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। पानी की दुरुस्त व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 0/0। अभी दुमका जिला के जरमुंडी विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार यहां पर दो टर्म से जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनका जीतने का सिलसिला है, और ऐसे में जरमुंडी का कितना विकास हो पाया, चूंकि चुनाव का समय आ रहा है और ऐसे में कई ऐसे जो योजनाओं या फिर अपने वादा को जो है जनता के बीच नेताजी रखेंगे, लेकिन उन वादा पर कितना काम हो पाया, इस मुद्दे को जानने के लिए हम जरमुंडी विधानसभा के जनता के बीच पहुंचेंगे। और हमारे साथ वह जनता है जो कि इनके वोट से जो है सरकार चुनी जाती है। ऐसे में कहां से हैं आप, कितना काम हुआ आपका क्षेत्र में? जो हुआ सब ठीके है, काम बहुत हो रहा है खेती के लिए, अब जो है किसान हित के लिए काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ठीक है, आपको किस किस योजना का लाभ मिला है? कर मिला है? घर नहीं मिला है। राशन? राशन मिलता है। और क्या आप बताइए, चूंकि आप युवा हैं, रोजगार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, रोजगार आप लोग काम काज क्या करते हैं? कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगारी है, सब कोई जा खेती होती है, अभी बरसात भी नहीं हुआ, खेती भी नहीं हुआ अच्छा से, सब कोई कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई गुजरात, कोई भी कोई जाता है, ऐसा है हम लोग की स्थिति झारखंड में। यानी आप लोग रोजगार भी नहीं? नहीं है। क्या नाम है? जोगिंदर राय। चुनाव का समय आ रहा है, नेताजी तो जाएंगे आपके गांव? नेताजी सब कोई जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, करता है कोई कुछ नहीं, कुछ बोल के जाता है करता है कुछ और, ऐसा यहाँ होता है। वोट के समय आता है, सब वोट खोजता है, बस समय आता है अपना अपना झोला भर के चला जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। कितना संतुष्ट है इनके बातों से? आपको रोजगार मिला है? रोजगार तो इलेक्शन के पहले कुछ मिला था, अभी जैसे 2 महीने के बाद जो भी मजदूरी हम लोग नरेगा में करते थे अभी वो भी हड़ताल पर बैठा है, और इस पर्व के माध्यम से हम लोग को बहुत भारी प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि काज काम कुछ नहीं चल रहा, अभी पूरे तरफ से ठप है। तो क्या लगता है सरकार को जिताने से फायदा है आप लोग इसके लिए? फायदा तो देखिए, जब सरकार आएगा, कोई भी कैंडिडेट आएगा तो कोई ना कोई तो जीतबे करेगा, सब आएगा तो ऐसे ऐसे स्थिति करके ही जाता है, अब क्या बोलेंगे हम लोग, जनता का जो काम है वो तो कर रहे हैं अपना। अगर आप लोग के मन मुताबिक अगर कैंडिडेट उतरता है और वह जीतता है तो कितना हित होगा आप लोग, हित के लिए काम होगा? हित के लिए तो सरकार तो अपने मन से काम करते हैं, और जो कुछ भी आता तो थोड़ा बहुत उसमें भी हम लोग को भी यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है, उतना पूरा नहीं हो पाता है, हर तरह से ही अभी हम लोग को यहाँ तो अभी दिक्कत ही दिक्कत है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनता के हित के लिए अब तक कोई ऐसा नहीं काम हुआ है, चूंकि संथाल परगना में रोजगार सबसे बड़ी मुद्दे हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर रोजगार का सुविधा नहीं है। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है नेताजी को काम करना चाहिए, यहाँ के विधायक को काम करना चाहिए, लेकिन अब तक वह काम नहीं हुआ है। चुनावी मुद्दा तो कई ऐसे होते हैं, रोजगार होता है, स्वास्थ्य होता है और कई ऐसे मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य सुविधा जरमुंडी विधानसभा में कितना है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है लोग हैं, जनता हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, क्या हॉस्पिटल है यहाँ पे? नहीं है हॉस्पिटल, नहीं है। और मंत्री, पूर्व मंत्री हरिनारायण राय जी 10-10 साल रहा, वो अभी अपना कुछ काम नहीं किया, और ये जो है सो बादल पत्र ले, वो भी 10 साल रहा, मंत्री भी रहा लेकिन कुछ काम नहीं किया। मेरा घर तो है धमनचिपा डुमरिया पंचायत है, पुथरी डावर पंचायत है, तो एक छोटा सा बस्ती है डुमरिया कह के, वहाँ से जो है सो सूर्य मंदिर तक रोड गया है, वो जहाँ तक गड्ढा हो गया उसका भी मरम्मत नहीं हो रहा है, और सब कोई आता है वोट मांगने के लिए, बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है।
बात आपने कहा कि हरिनारायण राय, तो हरिनारायण राय तो उन्होंने कई ऐसे पुलिया पुल को बनाया है, बड़ा बड़ा पुल बनाया है, कई ऐसे रोजगार जो है काम किए हैं, उस पर कितना आप कह सकते हैं? नहीं, वो उधर तो काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन आपके गांव तक काम नहीं हुआ है, बाकी जगहों पर हुआ है? हुआ है, लेकिन हम लोग का उधर काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके यहाँ से गाँव में क्या क्या परेशानी है? सब कुछ परेशानी है, अभी कुप का परेशानी है, कुप नहीं मिल रहा है, और तालाब जो है सो जहाँ तहाँ है, तालाब भी छोटा मोटा है, हम लोग का चापाकल भी है तो जहाँ तहाँ है, कहीं चापाकल खराब हो गया उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। इसी अगर आप लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं इलाज? जरमुंडी, जरमुंडी अस्पताल में उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं है, आसपास वही जरमुंडी जाना पड़ता है। इतने बोल करके हम समाप्त। तो आप जो है यानी सरकार चुनेंगे तो उनसे क्या, अगर नेताजी आप तक पहुंचेंगे तो उनसे क्या मांगेंगे, आपसे क्या क्या डिमांड होगा उनसे? क्या मांगेंगे? हम लोग को इधर सुविधा होना चाहिए, जरमुंडी आने जाने का रास्ता भी खराब है, हम लोग पानी पड़ जाता है, वर्षा पड़ता है, हम लोग को आने में दिक्कत होता है। वही तो बोले कि जो मैंने डुमरिया से लेकर सूर्य मंदिर तक रोड खराब हो गया है, जहाँ तक गड्ढा, जहाँ रोड खराब है, लेकिन रोड बोलता है नहीं पास हो गया, पास हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ है। तो उनका तो कहना है कि हम लगभग जगहों पर हम सड़क निर्माण करा रहे हैं। नहीं, उधर तो काम नहीं किया है, जहाँ वो काम किया था वो तो खत्म हो गया। तो अभी जो वर्तमान में विधायक है उनसे संतुष्ट आप नहीं है? ना, हम लोग को उससे खुश नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो विधायक है उनसे ये संतुष्ट नहीं है, उनके गांव तक जो है सड़क नहीं बना है, इनकी मांग है कि वहां तक सड़क बनना चाहिए और कई ऐसे जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही उनका, चूंकि वर्तमान में जो विधायक है उनका कहना है कि जगह जगह पर हम जो है सड़क निर्माण करवा लिए हैं, लेकिन जो कुछ कुछ गाँव है वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनके जो इनका जो कहना है उस बातों पर जो है अमली जामा पहनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, हाँ आप बताइए कि कितना संतुष्ट है काम को लेकर? अभी जो मेरा वर्तमान विधायक है वो आखिरी खत्म है, आगे ही वर्तमान विधायक था, वो हमने बहुत विधायक को देखा है, जो हरिनारायण काम किया वो अभी तक किसी विधायक ने अब तक नहीं किया है, इसलिए बादल पत्रलेख सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो अंग्रेज का शासन करता है, जैसे उसने पीछे नहीं नहीं हजारों लड़का को बर्बाद किया, जो उन्होंने पीछे घुमाया और एक योजना में तीन चार लड़का को सेटिंग करता है ताकि 50,000 रुपया हुआ तो मेरे पीछे ही तेल जला खत्म कर ले, और जैसे नहीं रहता तो 1917 में हुआ था अंग्रेज लोगों ने जो उसको जेल में घुसाया था, कहता था ये लोग खाना कम दीजिए ताकि निकलेगा तो हमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, उसी तरह ही सिर्फ जोग के रखा है जान, किसी को 10,000-20,000 कमाया नहीं दिया, अगर ये लड़का लोग बाहर चले जाते तो 2-4 लाख रुपया जरूर कमाता है, इस तरह हजारों लड़का को बर्बाद किया है। बीच में 2017 में ही अगला पहले तो विधायक था ही, वो बोला जी इस बार जो जो अनभिज्ञ हैं उनको बोला जी हमारे पुराना शब्द खत्म हो गया, नया फिर जोड़ना शुरू कर दिया, वो बोला जो है सो आप ही लोगों का है, हम तो संत आदमी हैं, हमारा तो घर में कोई है नहीं, माँ है न बाप है न और कुछ है, हम तो पंचायत भवन में रहते हैं, जो है आप ही लोग सब कुछ है, ऐसे कहकर उन्होंने अनभिज्ञ लोगों को साथ लिया, और फिर वही पूरे झारखंड में जैसे 24 जिला है, 24 जिला में हर जगह अपना 4-5 लड़के को आदमियों को सेट करके बात जरमुंडी की हम कर रहे हैं, पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे की बात कीजिए कि जनता की को क्या चाहिए। सुनिए ना, हाँ जनता को चाहिए काम, जितना हरिनारायण राय काम किया तो उतना रिपेयरिंग तक नहीं कर पाया। ठीक है, आपने कहा कि हरिनारायण राय ने काम किया है, तो ये बताइए जनता को कि हरिनारायण राय ने क्या काम किया और विधायक जो है बादल ने ये काम नहीं कर पाया वादा के बाद, क्या बात? हाँ, तो जो काम किया था ये कुछ नहीं किया, और जगह जगह पर बांध का काम किया है, जो लड़के के साथ में रखा है उनका पीसी जो है से ऊपरे ऊपर चला जाता है, घुमा फेरा करके अपना ठेकेदारी, जो काम जो जनता को मिलना चाहिए वह काम नहीं हो रहा है, इसी पीसी में ही रह जा रहा है, जाता है विभागी लोगों के द्वारा ही काम था और पीसी में ही खत्म,
तो यानी सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, विधायक बदलना। हाँ, विधायक तो बदलना चाहिए, ऐसे विधायक को क्या जरूरी है जो अभी तक। तो यानी आपका जो अगर माना जा सकता है कि अगर हरिनारायण राय जी अगर पुनः आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जरमुंडी का जो है काम अच्छा होगा। हाँ हाँ, अच्छा होगा ही, आगे हुआ था, यहाँ के जनता ललायत है उनके लिए, लेकिन उनका अभी नहीं आ रहे हैं इसलिए थोड़ा रुका हुआ है, लोग फिर भी प्रयास में है। हाँ हाँ, तो इनका कहना है कि जो वर्तमान में विधायक हैं वह जो है ईसी पीसी में ही रह गए, यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। खैर, ये जनता है और जनता का आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। और भी चाचा, आपको क्या पेंशन वेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन हमें मिल रहा है, लेकिन बात यही है, हमारा उम्र करीब करीब 70-75 हो रहा है, तो हमने 20 वर्ष का ये कहानी कह रहा हूँ। पहले हमारे हरिनारायण राय जी थे, हम लोगों के बीच पुल पुलिया रोड जरूर बनवा दिए, लेकिन वो जब चले गए, हमारे बादल पत्र लेख जी आए, तो माने कहीं हम देखते हैं काम का कोई उसका माने कोई ठिकाने नहीं है, जो कहाँ काम करें नहीं करें, इसलिए हम लोग अभी बादल पत्रलेख को हम लोग नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी बात है, जो हम लोग घाटवाल जाति के जगह जगह हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण चाहिए, लेकिन ये लड़ाई हमको लगता है कि 20-25 वर्षों से चल रहा है, हमारा घाटवाल हर जगह चिल्ला रहा है कि हम लोगों को आरक्षण दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि अगर हमारे घाटवाल समाज में विधायक आ जाए, सांसद आ जाए, तो हम लोग अपना किसी तरह का जो समस्या है उनको हम लोग कहें और उस समस्या से हम लोग जीवित रह पाए। तो इनका कहना है कि हम लोगों को वोट बैंक बनाकर सरकार यूज करती है और जीतने के बाद कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में जो भाजपा में शामिल हुए हैं हरिनारायण राय, वो इसके पहले जो है यहाँ पर विधायक थे और साथ ही मंत्री भी थे, तो उन्होंने क्षेत्र का काफी विकास किया है। अगर पार्टी चाहेगी तो उन्हें टिकट दिया जाएगा और टिकट के बाद वो अगर विधायक बनकर आते हैं हमारे क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं जरमुंडी का विकास कार्य होगा। TV45 के लिए दुमका से कुणाल राजपूत की रिपोर्ट।